नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ट्रिम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत यूपीपीएससी से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट यूपीपीसीएस, उसके बारे में देख लेते हैं। वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है जो यूपीपीसीएस है 2021 का नोटिफिकेशन के बारे में, आज जिसके बारे में बोला जा रहा है कि 400 से जो पोस्ट है उस पर नोटिफिकेशन आने की संभावना है, उसके बारे में देख लेते हैं कब है और क्या है और जो सोर्स है उसका, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे livehindustan.com, तो वहां पर देखेंगे यूपीपीसीएस 2021 के बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है। यूपीपीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी और 400 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है। यूपीपीसीएस 2021 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस 2021 के लिए आयोग की ओर से गुरुवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा यानी पीसीएस 2021 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू होगा। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 2 मार्च इसमें निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च तक निर्धारित की गई है और पीसीएस 2021 में 400 रिक्तियों के अलग अलग पदों के सापेक्ष विज्ञापन जो जारी होगा। तो यहाँ पर पोस्ट है वो 400 के आसपास बताया जा रहा है। पीसीएस के लिए चयन होते अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से आयु उसने पूरी कर ली है और साथ ही साथ उसका जो अधिकतम है वो 40 वर्ष यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो एज के बारे में कुछ कम करने का प्रयास जारी है आयोग द्वारा। यहाँ पर जो ACF RFO जिसका एग्जाम पीसीएस 2021 के एग्जाम के साथ ही उसका प्री कंडक्ट कराया जाता है, उसमें भी ये बताया गया कि 16 पद हैं और दोनों पदों को मिलाकर बेसिकली जो अभी तक जो उनके पास अध्याचन पहुंचे हैं और पद इसमें बोला है कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें ACF के लिए 1 पद और RFO के लिए इसमें 15 पद अभी तक अध्याचन पहुंचे और बाद में पद बढ़ने के लिए भी इसमें पूरी संभावना है, ऐसे हम मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर बोला है कि 5 फरवरी से आयोजन जो है ना इसके स्टार्ट हो जाएंगे, फिलिंग करना, फॉर्म को फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन थी न्यूज पेपर में उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा और देखते हैं अभी नोटिफिकेशन आता है नहीं, अभी तक तो साइट पर आया नहीं है, ये उसके बारे में देखते हैं, वेट करते हैं। दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनकी जानकारी के लिए नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। ज्यादा नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।